कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर एक बयान दिया था कि हम कमलनाथ और उनके पूरे खानदान को अनाथ कर देंगे। कमल पटेल के इस बयान के बाद कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई। यूथ कांग्रेस ने कृषि मंत्री का पुतला दहन कर नाराजगी जाहिर की। परासिया यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश जायसवाल के नेतृत्व में ये पुतला दहन हुआ। अंकुश जायसवाल ने कहा कि शिवराज सरकार के अहंकारी मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जिन शब्दों का उपयोग किया है, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस नेता राजा दुबे ने कहा कि उन्होंने जो अमर्यादित बयान दिया है, कांग्रेस उसका जवाब आने वाले समय में देगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा के अभिभावक आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के खिलाफ उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और उन्हें ये नहीं पता कि कमलनाथ जी हमारे अभिभावक है और हम सबको अनाथ करने की बात उन्होंने अति आत्मविश्वास के साथ कह दी और इसका जवाब जल्दी आने वाले समय में छिंदवाड़ा की 7 सीटों पर जनता उन्हें देगी और प्रदेश में भी उन्हें बाहर करके माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाई। अनाथ करने की बात कही है तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वे हमारे अभिभावक हैं, हम सबके मुखिया हैं। अगर आप उनके साथ टकराने का प्रयास करेंगे तो हम आपको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ गाड़ देंगे, तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से कि गड्ढा आप खोदिए, आपकी सरकार को राजनीतिक रूप से हम गड़ा देंगे। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, Saathi Global Festival, Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।